नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पर आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपको हिंदी लिखने आ जाए और पढ़ने आ जाए, तो आज की इस क्लास में दोस्तों मैं लिखने के साथ साथ मैं आपको पढ़ना भी सिखाऊंगा। यह क्लास चौथा है। इसके पहले मैं 3 क्लास करा दिया हूँ, जिसमें बिना मात्रा वाले शब्द, आ की मात्रा वाले शब्द, 12 खड़ी यानी जो शुरुआती चीज है, सब कुछ मैं सिखा दिया हूँ। आज की इस क्लास में दोस्तों छोटी ई की मात्रा से, हाँ दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों को अगर पढ़ने आ भी जाता है तो लिखने नहीं आता है और बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि सर कैसे समझें कि छोटी ई लगेगा यहाँ पे, कैसे समझें कि बड़ी ई लगेगा, यानी क्या इसमें मुख्य रूप से पहचानना पड़ेगा कि यदि कोई भी आपको बोलते हैं लिखने के लिए कोई भी शब्द जिसमें छोटी ई की मात्रा लगा हो, तो आप कैसे समझ पाएंगे कि इसमें छोटी ई की मात्रा ही है। सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं 2 अक्षर, 3 अक्षर, 4 अक्षर व 5 अक्षर यानी छोटे से लेकर बड़े बड़े शब्दों को लिखना भी सिखाने वाला हूँ, पढ़ना भी सिखाने वाला हूँ। यदि आपको विश्वास नहीं है तो पहले मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे ये सब 2 अक्षर वाले शब्द हैं, बहुत सारे शब्द हैं जिसमें छोटी की मात्रा लगा है। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों, ये सब 3 अक्षर वाले शब्द हैं, देख सकते हैं 3 अक्षर वाले ये सब बहुत सारे शब्द हैं। इस प्रकार के जितने सारे शब्द हैं ना, इन सभी शब्दों को मैं आपको पढ़ने के साथ साथ लिखना भी सिखाऊंगा। 3 अक्षर के बाद आप देखेंगे ये बड़े बड़े शब्द हैं, 4 व 5 अक्षर के बड़े बड़े शब्द हैं, इन सब शब्दों को भी, यानी कहने का मतलब ये जो मैं नया सीरीज स्टार्ट किया हूँ, नया सेशन स्टार्ट किया हूँ, जिसमें कोना पर आप देखेंगे ऐसे सी लिखकर यानी क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, इस तरीके से करके मैं एक नया तरीके से स्टार्ट किया हूँ, जिसमें एक ही क्लास में उस मात्रा से रिलेटेड जितने सारे शब्द हैं ना, उसको मैं पढ़ना और लिखना सब कुछ सिखा रहा हूँ। तो आइए दोस्तों, ऊपर से हम लोग एक एक चीज़ों को समझते हैं और सीखते हुए आगे यहाँ पे बढ़ते हैं। देखिए, पहले हम लोग 2 अक्षर वाले शब्द से स्टार्ट करेंगे। हम लोग पढ़ने के साथ साथ दोस्तों लिखना भी सीखेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है, देख सकते हैं निशा, क्या लिखा है निशा, तो कैसे लिखते समय कैसे हम लोग जानेंगे, इसके लिए थोड़ी सी कुछ पॉइंट है, इसको आपको दिमाग में रखना होगा। जैसे ये जो छोटी ई की मात्रा है, ये छोटी ई है और इसका मात्रा ऐसे होता है, ठीक है ना, एक आकार होता है और इस साइड से एक ऊपर ऐसे लगा हुआ रहता है, यानी ये छोटी ई की मात्रा है और ये किसी भी अक्षर में पीछे से लगता है। जैसे मान लीजिए क है तो इस साइड से लगेगा, पीछे से लगेगा। च है तो इसमें यह मात्रा ऐसे पीछे से लगेगा। न है, इसमें यह मात्रा ऐसे पीछे से लगेगा। ये चीज़ समझ गए। इसका उच्चारण सिंपल तरीका से होता है, आराम से होता है, जबकि बड़ी ई की मात्रा जस्ट इसके उल्टा होता है। बड़ी ई ऐसे होता है, इसका मात्रा ऐसे होता है और ये भी किसी भी अक्षर में आगे से लगता है, इस तरीके से लगता है आगे से, ठीक ना। तो दोनों के उच्चारण में बहुत ज़्यादा अंतर होता है, थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा अंतर होता है। छोटी की मात्रा को सिंपल तरीके से पढ़ा जाता है। जैसे आज की इस क्लास में छोटी की मात्रा से रिलेटेड बहुत सारे शब्दों को मैं लिखा हूँ और बड़ी की मात्रा को जोर लगा कर यानी खींच कर पढ़ा जाता है। तो लिखते समय क्या चीज़ ध्यान रखना होगा, वो मैं कुछ शब्दों को यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, फिर उसके बाद में मैं सिखाऊंगा। इसी क्लास में आपको मैं लिखना भी सिखाने वाला हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है न में छोटी की मात्रा यानी ऐसे है, निशा, निशा, इसको छोटी ई हम लोग बोलते हैं, ठीक ना। इसको हर्ष ई भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हर्ष ई। जैसे स हर्ष ई, सी ख सिख, छ व हर्ष ई वी, छवि। दोस्तों मेरा बहुत सारा क्लास आप देखे होंगे, अलग अलग पार्ट कर करके मैं बनाया हूँ। 2 अक्षर वाले अलग हैं, 3 अक्षर वाले अलग हैं, 4 अक्षर वाले अलग हैं, फिर और उससे भी बड़े बड़े जितने सारे हैं वो सब अलग हैं, लेकिन ये क्लास सभी क्लास से हटके है, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों का कमेंट आ रहा था कि सर ऐसा क्लास बनाइए जिसमें एक ही साथ, मतलब कि जितने संख्याओं का शब्द है, जैसे 2 अक्षर का, 3 अक्षर का, 4 अक्षर का, सब पढ़ना आ जाए। पढ़ना केवल नहीं, लिखना भी आना चाहिए। केवल पढ़ लेने से नहीं होगा, आपको लिखना भी आना चाहिए। देखिए यहाँ पर लिखा र व हर्ष ई वी, रवि, द हर्ष ई दी ल, दिल,
शहर्ष इसी वर्षिव। दोस्तों खूब ध्यान से लास्ट तक देखिएगा क्योंकि थोड़ा सा बड़ा हो सकता है वीडियो, लेकिन बहुत मज़ेदार होगा और थोड़ा सा अपना कीमती समय दे देंगे तो आगे चल के बहुत फायदा करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक ना। फ हर्षि फी र फिर, न हर्षि नी, स हर्षि शी निशि, स हर्षि सी र सिर, म हर्ष इ मी ल मिल, र हर्ष इ री तू ऋतु, म हर्ष इ मी ल मिल, या न हर्षि नी यानी, व हर्ष इ वी ध हर्षि धी विधि, रा स हर्ष इ शी राशि, वा द हर्ष इ दी वादी, आ द हर्ष इ दी आदि, द हर्ष इ दी स दिस, आ ल हर्ष इ ली आली, म हर्ष इ मी टा मिटा, वा ज हर्ष इ जी वाजी, प हर्ष इ पी न पिन, फ हर्ष इ फी न फिन, व हर्ष इ वी स विश। क्या लिखा है दोस्त? विश। अब यहाँ पे देखिए ये जितने सारे शब्द पढ़े हैं, अगर ऐसा शब्द आपको सामने नहीं मिले और लिखने के लिए कोई बोल दे तो कैसे इसको लिख पाएंगे, ये चीज़ समझिए। यदि आपको सामने नहीं मिले और लिखने के लिए कोई बोल दे तो इसके लिए दोस्तों ध्यान रखना है कि जो शब्द के उच्चारण करेंगे जो भी आपके सामने, वो उच्चारण पे ध्यान देना है कि उसमें जोर लग रहा है उच्चारण में कि नहीं लग रहा है। लेकिन कुछ कुछ केस में दोस्तों पता ही नहीं लगता है कि मतलब कि कोई जोर से बोल रहा है, आराम से बोल रहा है, कैसे पता लगेगा। तो इसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जो आज की इस क्लास में मैं इतने सारे शब्द यदि आप देख लेते हैं, केवल देख लेते हैं, तो ये सब शब्द आपको कभी भी मिलेगा तो आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाएगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि लास्ट तक देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, दिमाग में ये सब चीज़ बैठ जाएगा और फिर कभी लिखने की बात आएगी तो आप आसानी से इसको लिख पाएंगे, ठीक ना। तो चलिए मान लीजिए आपको कोई बोलता है लिखने के लिए यानी, क्या यानी, तो यानी कैसे लिखेंगे, देखिए यानी, यानी ध्यान रखना है कि यानी हमेशा इसी तरीके से लिखाएगा, छोटी ई की मात्रा से ही लिखाता है। वादी, क्या लिखना हो, वादी, तो देखिए वा और द में ऐसे छोटी की मात्रा ही होगा, वादी। राशि, क्या लिखना हो, राशि, तो देखिए रा श में ऐसे छोटी की मात्रा होगा, राशि। लेकिन कुछ ट्रिक भी होता है इसका कि कैसे हम लोग पहचानेंगे, ये आगे मिलेगा। कुछ शब्द को और मैं पढ़ा रहा हूँ, फिर मैं कुछ ट्रिक भी बताऊँगा, कुछ शब्दों को अलग अलग करके भी आप सीख सकते हैं कि इस शब्द में यानी इस प्रकार के जितने सारे शब्द होते हैं उसमें छोटी की मात्रा लगेगा ही लगेगा, ये भी नियम होता है। जैसे यहाँ पर कुछ शब्दों को मैं पढ़ा रहा हूँ, फिर इसी शब्द में से बताऊँगा आगे, ठीक ना। जैसे यहाँ पे लिखा है बी न बिन, ली या लिया, धीर धीर, वी द विद, कीट किट, चित्र चित्र, पीर पीर, वी द विदा, शिव शिव, रिब रिब, लीन लीन, मिश्रा मिश्रा, हिम हिम, पीटा पीटा, सीम सीम, किला किला, खिला खिला, टिक टिक, वीना वीना, हरी हरी, दिशा दिशा, मिला मिला, दिया दिया, दधि दधि। अच्छा, इतना शब्द जो आप पढ़े हैं इसमें एक शब्द आप देखे होंगे, जैसे यहाँ पे लिखा था दिया, ठीक ना, लिया, या यहाँ पे नीचे देख सकते हैं किया, और भी शब्द है नीचे देख लीजिए तब और क्लियर समझ में आएगा आपको। जैसे यहाँ पे लिखा है लिया लिया,
सची सची, किया किया, बिला बिला, विटा विटा, मही मही, हिला हिल, बनी बनी, सिला सिल, पीना पिन, जीना जिन, बीटा बिट, चित्रा चित्र, पीना पिन, शिक्षा शिक्षा, छीना छिन, अति अति, खिला खिला, जाति जाति, घीसा घीस। दोस्तों बने रहिए, देख मैं आपको बताता हूँ वो ट्रिक, थोड़ी सी और शब्द है, दो अक्षर वाले पहले सीख लीजिए, इसी में मैं बताऊँगा। घीसा घीस, टिंडा टिंडा, पीता पिता, खिला खिल, छीला छिला, बिना बिना, जीती जीती, रति रति, गति गति, छति छति, दिखा दिखा, गिरा गिर, बिका बिका, सति सति, मड़ी मड़ी, तवी तवी, निजी निजी, लिख लिख, टीका टीका, शिव शिव, पीना पिन, चित्र चित्र, गीबा गीब, क्या लिखा है दोस्तों, गीब, कवि कवि, सिरा सिरा, दिला दिला, कीमा कीमा, मिला मिला, पीरा पीर। अब वो ट्रिक क्या है दोस्तों, देखिए दो अक्षर वाले में लागू होता है और सभी शब्द पे नहीं होता है, लगभग आपका 50% ऐसे शब्द हैं जो इस तरीके के होते हैं जिसमें ये नियम लग जाता है। जैसे पहले वाले अक्षर में अगर छोटी ई की, मतलब कि ई की मात्रा की बात है पहले वाले अक्षर में, और दूसरे अक्षर में यानी दो अक्षर के शब्द में दूसरे अक्षर में यदि आ की मात्रा हो, क्या हो, आ की मात्रा हो, तो हमेशा हर हाल में पहले वाले अक्षर में छोटी ई की मात्रा ही होगा। ये नियम याद रखिएगा, ये कहीं नहीं मिलने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। जैसे कहीं भी कोई भी शब्द उठाकर आप देख लीजिए, जैसे किया किया, दिशा दिशा, निशा निशा, आप जितने सारे शब्द पढ़े हैं, बीका बीका, ठीक है ना, मिला मिला, देखिए मिला मिला, हिला हिला, कोई भी शब्द उठाकर देख लीजिए जिसमें पहले वाले अक्षर में अगर छोटी की मात्रा हो और उसके बाद वाले अक्षर में अगर आ की मात्रा हो, माने पहले वाले अक्षर में ई की मात्रा हो और उसके बाद वाले में अगर आ की मात्रा हो, तो हर हाल में ये पहले वाले अक्षर में छोटी की मात्रा ही लगेगा, बड़ी की मात्रा नहीं लगेगा। ये एक बहुत बड़ा नियम है, इतने सारे शब्द में आप बहुत सारे शब्द देखे हैं, यहीं पर देख लीजिए, ये सब शब्द देख सकते हैं, ठीक ना, ये सब शब्द देख सकते हैं। इसमें कभी भी आप कीमा ऐसे नहीं लिख सकते हैं, दिला ऐसे नहीं लिख सकते हैं, गलत हो जाएगा। ये बहुत संशोधन के बाद ये नियम निकला है दोस्तों, इसको दिमाग में बैठा लीजिए, छोटी ई बड़ी ई में बहुत फायदा करने वाला है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक ना। चलिए अब तीन अक्षर वाले शब्दों को हम लोग देखते हैं, ठीक ना। अब अगर आपको दो अक्षर वाले शब्द कोई भी बोल दे, धड़ल्ले से आप लिख देंगे इस प्रकार के, जैसे मान लीजिए मैं ही आपको बोलता हूं लिखने के लिए, लिखिए किला, क्या लिखना है, किला, तो तुरंत आपके दिमाग में आ गया कि ला है, यानी आ की मात्रा बाद में लम लगा तो पहले वाले में छोटी की मात्रा ही होगा। दिशा दिशा, तो तुरंत आप लिख देंगे। दोस्तों कमेंट में टाइपिंग कीजिए, कमेंट में टाइपिंग कीजिए जो मैं शब्द बोल रहा हूँ। मिला मिला, तो मिला देखिए यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, मिला। खिला खिला, ऐसे देखिए खिला खिला। घिया, क्या लिखना है दोस्त, घिया घिया, कैसे लिखेंगे, घिया
घिया, देखिए तुरंत लिख देंगे आप ऐसे, घिया घिया, दिया लिया पिया, रिया, ठीक है ना, रिया, देखिए रिया। तो ये बहुत बड़ा चीज़ था, मैं शुरुआत में ही आपको बताया हूँ कि लिखना भी सिखाऊंगा। अब तीन अक्षर वाले शब्द का भी कुछ रूल होता है, नियम होता है, ट्रिक होता है, वो भी मैं बीच में बताऊंगा। पहले कुछ शब्दों को यहाँ पे मेरे साथ में प्रैक्टिस कर लीजिए, पढ़ लीजिए, मैं फिर बीच में बताऊंगा उसको। जैसे यहाँ पे लिखा है किशन, किशन, विजय, विजय, रविश, रविश, विशाल, विशाल, किताब, किताब, खिताब, खिताब, क्या लिखा है दोस्त, खिताब। इसके बाद देखिए यहाँ पे, देखिए खिताब के बाद क्या होगा, तिवारी, तिवारी, निलय, निलय, तिलक, तिलक, किराना, किराना, मंदिर, मंदिर, कालिया, कालिया, हाशिया, हाशिया, विठल, विठल, सानिया, सानिया, चिटिया, चिटिया, मिताली, मिताली, मनीष, मनीष, अलीशा, अलीशा, गिबन, गिबन, बिहार, बिहार, रिबन, रिबन, रिवाज, रिवाज, कठिन, कठिन, मालिक, मलिक, मितल, मितल, दविश, दविश, लीवर, लीवर, सुनील, सुनील, मुनीम, मुनीम, आदिल, आदिल, पियर, पियर, चकित, चकित, पितर, पितर, तिरछा, तिरछा, विनाश, विनाश, विधान, विधान, चिकना, चिकना, अवीर, अवीर, मिटाया, मिटाया, निवास, निवास, विवाह, विवाह, क्या लिखा है दोस्त, विवाह। अब यहाँ पे देखिए इतना सारे शब्द जो आप तीन अक्षर वाले पढ़े हैं मेरे साथ में, इसमें देखिए अगर इस प्रकार के कोई शब्द आपको बोलते हैं लिखने के लिए, मान लीजिए कोई बोले आपके लिखने के लिए चकित, तो चकित कैसे लिखेंगे, च क में छोटी की मात्रा की, तो ऐसे चकित। रिबन, तो र में छोटी की मात्रा री, ब और न, ऐसे रिबन। गिवन, तो ग में ऐसे छोटी की मात्रा गी, ब, न, गिवन। दोस्तों इसमें थोड़ा सा देखना ही पड़ेगा आपको, और भी मैं तरीका बताऊंगा आगे, कुछ और शब्द है अभी। देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए लिखना बिहार है, तो देखिए बी हा र, बिहार, इसमें भी ट्रिक होता है, आगे मैं बताता हूँ। चलिए और भी शब्द इसको पहले देख लीजिए, फिर यहाँ पे क्लियर हो पाएगा। देखिए विज्ञान, विज्ञान, खिलाया, खिलाया, डाकिया, डाकिया, इशारा, इशारा, मिलाया, मिलाया, दिवस, दिवस, हिसाब, हिसाब, पिटारा, पिटारा, मिराज, मिराज, शिकवा, शिकवा, किवाड़, किवाड़, सानिया, सानिया, बिटिया, बिटिया, दिमाग, दिमाग, पहिया, पहिया, विनर, विनर, दलिया, दलिया, किरण, किरण, विजय, विजय, मिलना, मिलना, रिवाज, रिवाज, बिटिया, बिटिया,
सीताब सीताब किलर किलर क्या लिखा है किलर। अब दोस्तों ट्रिक यहाँ पे जानिए इसका क्या ट्रिक होता है, कैसे आप पहचान पाएंगे कि तीन अक्षर वाले शब्द में अगर मिलता है आपको तो कैसे पहचानेंगे लिखते समय कि छोटी की मात्रा ही होगा। देखिए अगर पहले वाले अक्षर में ई की मात्रा हो, ठीक ना, ये क्लियर नहीं हुआ है कि छोटी ई है कि बड़ी है, क्या है ई की मात्रा हो पहले वाले अक्षर में और बीच वाले अक्षर में आ की मात्रा हो, क्या हो बीच वाले अक्षर में आ की मात्रा हो और बाद वाला कोई भी अक्षर हो उससे फर्क नहीं पड़ता, तो 100% पहले वाले अक्षर में छोटी ई की मात्रा ही होगा। क्या सीखे कि पहले वाले अक्षर में अगर ई की मात्रा हो और बीच वाले यानी पहले के बाद वाले अक्षर में अगर आ की मात्रा हो, लास्ट में कोई भी अक्षर हो उससे फर्क नहीं पड़ता, तो पहले वाले अक्षर में छोटी की मात्रा ही होगा, समझ गए ना। जैसे देख सकते हैं कि शिकार क्या है दोस्तों, शिकार, निखार, ठीक है ना, टिफिन, टिफिन भी देखिए आ गया, इसको भी समझ सकते हैं कि दूसरे वाले में भी अगर ई हो तो दूसरे वाले में थोड़ी सी कन्फ्यूजन रहता है कि बड़ी होगा कि छोटी होगा, लेकिन इतना क्लियर है कि पहले वाले अक्षर में छोटी की मात्रा ही होगा, ठीक ना। जैसे रिवाज, किवाड़, दीवाल, विदाई, लिखाई, सिलाई, समझ रहे हैं ना। तो इस प्रकार के जितने सारे शब्द आ रहे हैं तो छोटी की मात्रा पहले वाले में लग रहा है, ठीक ना। और भी कुछ शब्द हैं यहाँ पे, पढ़िए फिर आगे मैं बता देता हूँ आपको। और भी देखिए यहाँ पर लिखा है टिफिन, टिफिन, पिछला, पिछला, मिलन, मिलन, बिगड़, बिगड़, धनिया, धनिया, जिगर, जिगर, निखार, निखार, नदिया, नदिया, शियान, शियान, निशाना, निशाना, शिकार, शिकार, मनीषा, मनीषा, आलिम, आलिम, तिलक, तिलक, तालिया, तालिया, दिखना, दिखना, वादिया, वादिया, गिटार, गिटार। देख रहे हैं ना जो मैं ट्रिक बताया हूँ, देख लीजिए यहाँ पे शिकार, गिटार, निशान, शियान, समझ रहे हैं ना। चलिए और भी शब्द देखते हैं यहाँ पे, पिलाना, पिलाना, दिखाई, दिखाई, लिखाई, लिखाई, विदाई, विदाई, शिविर, शिविर, टिकाऊ, टिकाऊ, निखिल, निखिल, निडिल, निडिल, जनित, जनित, झिझक, झिझक, इटावा, इटावा, छियासी, छियासी। अब दोस्तों मैं आपको शब्द बोल रहा हूँ, आप लिखेंगे और देखते हैं कितना सही आप लिख पाते हैं। सॉरी, तीन अक्षर वाले पहले शब्द आप लिखेंगे। चलिए लिखेंगे आप निशान, क्या लिखेंगे, निशान, निशान, देखिए नी शा न, निशान, विज्ञान, क्या लिखना है, विज्ञान, देखिए वी ज्ञा न ऐसे, विज्ञान, विनाश, विनाश, देखिए वी ना श, विनाश, दीवाल, क्या लिखना है, दीवाल, देखिए दीवा ल, दीवाल, ठीक ना। विकार, कमेंट में लिखेंगे दोस्तों विकार, देखिए वी का र, विकार। तो इस तरीके से आप तीन अक्षर वाले शब्द को भी प्रैक्टिस कर लिए, देख लिए। अब दोस्तों बड़े बड़े शब्दों पे यहाँ पे देखते हैं, कुछ और शब्द है, थोड़ी सी और रुक जाइए और जितने सारे इंपॉर्टेंट है क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है, जैसे कि ऊपर आप देख सकते हैं, किरदार, किरदार, ननिहाल, ननिहाल, खाली हान, खलिहान, दिलदार, दिलदार, हिमपात, हिमपात,
परिचय परिचय, परिवार परिवार, विनाशक विनाशक, मालकिन मालकिन, बाइबिल बाइबिल, विवादित विवादित, आधुनिक आधुनिक, मणिपुर मणिपुर, नियोजन नियोजन, निराशय निराशय। क्या लिखा है दोस्त? निराशय। ठीक ना, इसका भी कुछ ठीक होता है, मैं बताऊंगा। थोड़ी सी और शब्द देखिए यहाँ पे, विषपान विषपान, जातिवाद जातिवाद, दिवंगत दिवंगत, इतिहास इतिहास, मालिकाना मालिकाना, खिड़किया खिड़किया, निरक्षण निरक्षण, विज्ञापन विज्ञापन, सिरफिरा सिरफिरा, ननिहाल ननिहाल, निकलना निकलना, अमिताभ अमिताभ, महिलाएं महिलाएं, आदिनाथ आदिनाथ, दिखावट दिखावट। क्या लिखा है दोस्त? दिखावट। अलविदा अलविदा, गिरागिट गिरगिट, शनिवार शनिवार, विधायक विधायक, विनाशक विनाशक, हरियाणा हरियाणा, साइकिल साइकिल, विकराल विकराल, तबियत तबियत, विधवत विधवत, निरक्षित निरक्षित, परिभाषा परिभाषा, किसमिश किसमिश, किलकारी किलकारी, तिरमिछ तिरमिछ, नारियल नारियल, मिलियन मिलियन, निरंजन निरंजन, बिगड़ना बिगड़ना, फिलहाल फिलहाल। यहाँ पे देख सकते हैं ये जितने सारे आप शब्द पढ़े हैं, इसमें तीन अक्षर वाला थोड़ा सा नियम आप याद कीजिए कि मैं बताया था कि पहले वाले में ई की मात्रा हो। अब ये क्लियर नहीं है कि छोटी ई है कि बड़ी है, और उसके बाद वाले अक्षर में, जैसे बीच का था तीन अक्षर का, लेकिन अगर इसमें इसके बाद वाले में आ की मात्रा हो, उसके बाद कुछ भी हो, तो पहले वाले में छोटी की मात्रा होगा, ये क्लियर है। जैसे विकराल, देखिए विकराल विकराल, सॉरी ये तो हो गया विनाशक, जैसे विनाशक विनाशक, ये गलती हो गया विनाशक, ठीक है ना, विनाशक। विधायक, देखिए विधायक विधायक, ऐसे विधायक। निरामिष, देखिए नी रा मी श, ऐसे निरामिष, ठीक है ना। गिरावट, क्या लिखा है? गिरावट गिरा वट गिरावट। लिखावट लिखा वट, ऐसे लिखावट दिखावट मिलावट। इस प्रकार का शब्द अगर आपको मिलता है बड़े बड़े शब्दों में, तो समझिए कि पहले वाले अक्षर में छोटी की मात्रा होगा। अब दोस्तों मैं आपको 10 शब्द बोल रहा हूँ, आपको लिखना है और फिर मैं उसको लिखूँगा, मिलाना है कि कितना सही आप लिख पा रहे हैं, ठीक ना। चलिए पहला शब्द लिखेंगे, दो अक्षर वाले से शुरू करते हैं, लिखेंगे दोस्तों रिया। क्या लिखेंगे? रिया रिया, देखिए रिया ऐसे लिखा जाएगा रिया। दिया, क्या लिखेंगे? दिया दिया, तो देखिए दिया लिखेंगे ऐसे। तीसरा शब्द लिखेंगे खिला, क्या लिखेंगे? खिला, तो देखिए खिला लिखेंगे ऐसे। चौथा शब्द लिखेंगे निखार, क्या लिखेंगे? निखार निखार, तो देखिए नी खा र निखार। शिकार, क्या लिखेंगे? शिकार शिकार, तो सी का र शिकार। विकार, क्या लिखेंगे? विकार वी
विकार, विकार, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे विधायक, विधायक, तो देखिए विधायक, विधायक दिमाग में आपको तुरंत ठनक हो रहा होगा और आसानी से आप लिख पा रहे होंगे, ठीक ना। निराकार, क्या लिखना है, निराकार, देखिए निराकार, निराकार, निराकार हो गया। नारियल, नारियल, देखिए नारी या ल, नारियल। और दसवां शब्द लिखेंगे मिलियन, क्या लिखेंगे, मिलियन, मिलियन। तो दोस्तों इस तरीके से आज की इस क्लास में छोटी की मात्रा के बहुत सारे ट्रिक सीखे, बहुत सारे चीज़ सीखे। दोस्तों यह क्लास आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगले क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि अगला क्लास जो मैं अपलोड करूँगा आपको समय से मिल जाए। तो चलिए दोस्तों आज क्लास यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।